रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रिज्म क्या है, और इससे पहले हमने पढ़ा था एक स्लैब, है ना। स्लैब समझे पहले कि स्लैब क्या है। स्लैब है एक, स्लैब इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम लेकिन बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेसेस। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल है तो वो क्या है, स्लैब, बाकी चाहे उसकी शेप कुछ भी होती रहे। और प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है आपके लिए, प्रिज्म है ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन, यहां भी हमें प्लेन सरफेस लिखना पड़ेगा, कर्व नहीं होनी चाहिए, प्लेन सरफेस पैरेलल टू ईच अदर, प्लेन पैरेलल सरफेस, बाइंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है जो। हाँ अभी अभी देखते हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल, और जो एंगल है आपका, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। जैसे कि मैं एक कांच का एक टुकड़ा ऐसे बना लूं, अगर आप रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले रहे हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस BC एंड AD, ये क्या है, स्लैब की तरह बिहेव करेगा, बाकी सरफेसेस से कोई मतलब नहीं कि वो इंक्लाइंड है, कैसी है कैसी नहीं। लेकिन अगर आप इसमें दो रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, कौन से, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB एंड DC, ये क्या है, ये एक प्रिज्म है, और इन दोनों सरफेसेस को आप एक्सटेंड कीजिए कहीं तक भी, जहां तक भी एक्सटेंड हो रही है ये, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल क्या है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब हम एक प्रिज्म लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केस हम प्रिज्म बनाते हैं इक्विलेटरल, जरूरी नहीं है इक्विलेटरल हो, जरूरी नहीं है आइसोसेलीस हो, प्रिज्म है हमारा एबीसी, एबी एंड एसी आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। कैसा रिफ्लेक्शन है, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई कहां, सरफेस एबी पर, सरफेस एबी पर इंसिडेंट। अब रिफ्रैक्शन करने के लिए हमने सरफेस ए बी पर ड्रॉ करना पड़ेगा एक नॉर्मल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस नॉर्मल का मतलब है एक ऐसी लाइन जो सरफेस से 90 डिग्री बनाए, यहां सरफेस से 90 डिग्री, अक्सर इस नॉर्मल को बनाने में मिस्टेक हो जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर मीडियम, बाहर क्या है, बाहर आपकी एयर है, इधर भी एयर है, और इसे हम फिलहाल ले रहे हैं किसका, ग्लास प्रिज्म, जरूरी नहीं ग्लास ही हो, प्लास्टिक भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट ऑयल भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है,
तो एंगल इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर, इट इज रिफ्रैक्टेड मेकिंग अ स्मॉलर एंगल आर वन, दिस एंगल इज आर वन, आर वन लिखा मैंने इसको। अब दूसरे एंगल, दूसरे साइड पर फिर सरफेस एसी पर रिफ्रैक्शन लेने के लिए हमने क्या करना होगा, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग 90 डिग्री सरफेस के साथ 90 डिग्री, बाकी चाहे कुछ भी होता रहे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज लार्जर, लार्जर एंगल पर ये इंसिडेंट हो गई। मैंने इसको I2 लिख दिया, इधर I1 लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर मैं इमरजेंट रे को इंसिडेंट बना लूं तो लाइट पूरा अपना रास्ता रिट्रेस कर जाएगी, अपने वापस रास्ते पे चली जाएगी। और ये जो एंगल है इसके अंदर मैंने इसका नाम रखा है R2, ये जो पॉइंट जहां मिल रहा है इस पॉइंट का नाम रखा मैंने O। क्लियर है बात। अब कितना डेविएट हो गई, ये लाइट का अपना पाथ था और यहां से अब दूसरे पाथ पर चली गई, तो हमें फाइंड करना है क्या एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे फाइंड करेंगे, इंसिडेंट रे आपने आगे एक्सटेंड किया और इमरजेंट रे आपने आगे एक्सटेंड किया, पीछे बैकवर्ड्स एक्सटेंड किया, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इस पॉइंट का नाम मैंने यहां रखा है डी। क्लियर है अब यहां सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो इस रे का नाम लिख देते हैं पी, ये पॉइंट है क्यू, ये वाला पॉइंट है कहां लिखूं इसे, यहां लिख दूं आर, और ये पॉइंट है एस। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, एंगल क्यू एंगल आर 90 ईच है, क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं मैं, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, तो एंगल क्यू देखिए सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल बना हुआ, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल ओ मिलकर कितना बना 180 डिग्री है ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, एंगल क्यू इक्वल्स एंगल आर इक्वल्स 90 डिग्री ईच, तो इसलिए अब आपके पास बचा एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स 180 डिग्री। ओके, इसके बाद देखें आप ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल ओ प्लस एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 180 180, एंगलो एंगलो क्या बना, एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू इक्वल्स एंगल ए। एक तो ये फैक्ट हमें आगे चल के यूज करना है। अच्छा, ये डेरिवेशन ऐसी है कि इस डेरिवेशन से जो फाइनल फॉर्मूला निकलता है प्रिज्म फॉर्मूला, उसके अलावा जो बीच बीच के स्टेप है ये भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में फॉर्मूला की तरह यूज हो जाते हैं, आर वन प्लस आर टू इक्वल्स एंगल ए, ये फॉर्मूले में यूज, फॉर्मूले की तरह यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है जी, अब उसके बाद देखना जरा डेल्टा, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल डी क्यू आर, डी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल्स एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल डी क्यू आर डेल्टा इक्वल्स एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। ठीक है,
अब एक बार देखना जरा ध्यान से, हमारे पास ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कुछ भी नहीं है, ना आई है ना आर है, कुछ भी नहीं है। तो इस डी क्यू आर को आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल डी क्यू ओ माइनस एंगल ओ क्यू आर या आर क्यू ओ, है ना। ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल में से नीचे वाला सबट्रैक्ट कर दो, तो एक को मैंने लिखा क्या, एंगल डी क्यू ओ माइनस एंगल आर क्यू ओ, ये लिखा एंगल डी क्यू ओ माइनस एंगल आर क्यू ओ। और दूसरे वाला आप कौन सा बना, ऐसे इधर वाला ये बन जाएगा एंगल आपका डी आर ओ माइनस क्यू आर ओ, डी आर ओ माइनस क्यू आर ओ, तो क्या बना, एंगल डी आर ओ माइनस एंगल क्यू आर ओ। ओके, अब देखे तो जरा डी क्यू ओ, डी क्यू ओ वर्टिकली अपोजिट है आई वन का, डी क्यू ओ देखो ध्यान से आप, डी क्यू ओ वर्टिकली अपोजिट है आई वन का, तो ये क्या बन गया आपका आई वन, और ये क्या है आर वन। इसी तरह ये क्या बन गया आई टू माइनस आर टू। अब ये बना आपका आई वन प्लस आई टू माइनस में आर वन प्लस आर टू डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल्स आई वन प्लस आई टू माइनस एंगल ए, ठीक है। एक ये कंडीशन आ गई, इसे भी आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कहानी को यही छोड़ते हैं, बीच में कुछ और कहानी समझते हैं। क्या कहानी समझते हैं, तो कंडीशन यहां बन रही है डेल्टा इक्वल्स आई वन प्लस आई टू माइनस एंगल ए। अब एंगल ए क्या है, एंगल ए आपके प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है, दिस इज एंगल ए। एक बार आप मार्केट से प्रिज्म लिया, एक बार आपने कंपनी से प्रिज्म बनवा लिया, एंगल ए फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया है, इसमें आप अपने आप इसे नहीं बदल सकते। तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड है, आई वन और आई टू पर डिपेंड है, आई वन प्लस आई टू, आई वन पर भी डिपेंड है आई टू पर भी डिपेंड है, लेकिन ये डिपेंडेंसी लीनियर नहीं है, ये इनवर्सली भी नहीं है। हाँ आई टू भी आई वन पर डिपेंडेंट है, आई टू भी आई टू या खुद आई वन पर डिपेंडेंट है, तो डेल्टा भी आई वन पर ही डिपेंडेंट हुआ। चलो हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा आई वन पर ही डिपेंडेंट है क्योंकि आई टू खुद आई वन पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है ये लीनियर नहीं है, इनवर्सली नहीं है, ये एक अलग तरह की डिपेंडेंसी है। कैसी डिपेंडेंसी से समझते, ये मैंने एक प्रिज्म बना दिया, ठीक है। इस प्रिज्म पर मैं एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिक्स ले रहा हूं इजीएस्ट वे में समझने के लिए, और दूसरा मैं ले रहा हूं पॉइंट ऑफ इमरजेंस, ये भी फिक्स ले रहा हूं, हालांकि ये भी फिक्स नहीं होते, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ पॉइंट ऑफ इमरजेंस फिक्स नहीं होगा, बदल जाएगा ये भी। और ये मैं यहां इसके बीच में लूंगा क्या, इंसिडेंट रे, और यहां से क्या लूंगा इमरजेंट। मैंने जानबूझ करके इन्हें एक ही लेवल पर नहीं बनाया, ऐसे बनाया, ये दिस इज द लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या काम किया, ये मेरी इंसिडेंट रे है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये मेरी रे है, कौन सी वाली, ये इमरजेंट रे, इमरजेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस। इस इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा दें, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा दें, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब डेल्टा पर क्या इफेक्ट पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, डेल्टा पर क्या इफेक्ट पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, समझना ध्यान से। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है तो आपके डेल्टा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लार्ज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है तो डेल्टा कैसा है, काफी बड़ा है, समझ रहे हो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है तो एंगल ऑफ डिवीजन बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी इमरजेंट रे ऊपर उठती चली जाएगी, और एंगल ऑफ डिवीजन क्या होगा, एंगल ऑफ डिवीजन क्या होगा देखो, घटता चला जाएगा। कब? जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर आपने फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो अब ये इमरजेंट रे फिर वापस नीचे जाने लगेगी और एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। लीनियर वेरिएशन नहीं है, लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी इसकी बिल्कुल अलग ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका हम ग्राफ से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है, देखो मैंने पतला सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया ये वाला, वो अभी अभी क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये काफी बड़ा इमरजेंट एंगल ऑफ डिवीजन काफी बड़ा है, देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे के बीच का एंगल काफी बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे तेजी के साथ ये लाइट रे, इमरजेंट लाइट रे ऊपर की तरफ उठती है और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो गया, घटता चला गया, एरा पतला सा रह गया। लेकिन अब अगर आपने और ज्यादा बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट रे फिर से नीचे आने लगती है और फिर से क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल ऑफ इमरजेंस और ये आपका क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ डेविएशन। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा तो डेविएशन काफी बड़ा है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेविएशन घटता चला जाता है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है मिनिमम, फिर इससे आगे अगर आप बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर से डेविएशन क्या होता है, बढ़ने लगता है। एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद में TIR की कंडीशन बन जाती है, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वेरिएशन लीनियर भी नहीं है, ये पैराबोलिक भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, अलग ही इसके शेप है, करेक्ट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा मिनिमम, अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू एक किसी एक सर्टेन एंगल पर ऑफ इंसिडेंस के लिए ही होगी। डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसी एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही बनेगी, क्योंकि यहां आकर ग्राफ बिल्कुल पॉइंट हो जाता है, पीक आ गया ग्राफ का, लोअर पीक आ गया है, करेक्ट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में एंगल ऑफ इमरजेंस का क्या हिसाब है, ये हमें चेक करना है। कब? जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, मिनिमम है। जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तब आप कहते हैं, तब आप क्या कहते हैं, प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन। तो जब प्रिज्म को आपने मिनिमम डेविएशन में सेट किया तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का आपस में क्या रिलेशन बन, फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, डेल्टा मिनिमम होने के लिए क्या हो, एंगल ए तो घट बढ़ नहीं सकता, ये तो फिक्स हो गया आपने जो एक बार प्रिज्म खरीद लिया, क्या हो, आपके पास कंडीशन ये है कि आई वन प्लस आई टू इन दोनों का सम मस्ट बी मिनिमम। ठीक है, मस्ट बी मिनिमम, कोई मैंने चेंज तो नहीं करा, रूट लगाया तो स्क्वायर भी लगा दिया, वही की वही बात है ना। इसमें मैंने टू रूट आई वन रूट आई टू एड करा तो टू रूट आई वन रूट आई टू सबट्रैक्ट कर दिया, ये क्या होना चाहिए,
मिनिमम होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आया। अब इसमें मैंने क्या किया कि रूट आई वन होल स्क्वायर रूट आई टू होल स्क्वायर माइनस टू रूट आई वन रूट आई टू का एक ग्रुप बना लिया प्लस टू रूट आई वन आई टू को अलग ले लिया, ये आपका होना चाहिए मिनिमम। ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन आई टू, ये मिनिमम होना चाहिए। अब इसके तो घटने के चांस है नहीं क्योंकि ये प्लस में है, पॉजिटिव है, तो मिनिमम होने के लिए किसे कम किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ रहा है आई वन आई टू की वैल्यू को एडजस्ट करके। तो फिर अब आपके पास कंडीशन क्या बची, आपके पास कंडीशन बनी रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर को क्या हो, मस्ट बी मिनिमम। और क्योंकि ये रूट है और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इस सब की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है कितनी, जीरो। जीरो से कम क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर अगर निगेटिव भी आ गया तो भी पॉजिटिव होगा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या निकली, आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर मस्ट बी जीरो आ गई, एक स्पेसिफिक मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। और इस सारे को सॉल्व करके क्या बनेगा आपके पास, आई वन माइनस आई टू मस्ट बी जीरो या आई वन इज इक्वल टू व्हाट आई टू, यानी मिनिमम डेविएशन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरी तरफ एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों आपस में बराबर होंगे, तब ये अंदर लाइट रे बेस के पैरेलल होगी, बशर्ते के ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, मैं बीसी को यहां ले लूं तो अब पैरेलल नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन, हाँ आइसोसेलीज ट्रायंगल है तो भी हो जाएगा ये, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ चुका है कि प्रूफ कीजिए कि अगर ये आइसोसेलीज ट्रायंगल है तो फिर लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू मिनिमम पैरेलल टू द बेस व्हेन प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन, तभी क्या कंडीशन है बस ये। अब मिनिमम डेविएशन में है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में I1 इज इक्वल टू कितना I2, और इन दोनों को अब हमने I1 I2 अलग अलग न लिख करके I कह दिया, दोनों एक ही जैसे, तो अब मिनिमम डेविएशन कितना होगा, इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। लेकिन यहां अब हम डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू आई माइनस एंगल ए, तो 2i इज इक्वल टू कितना बना, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए एंड i इक्वल्स डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब जरा देखना, तो यहां हम दो जगह पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगाएं और पॉइंट R पर स्नेल्स लॉ लगाएं। पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगाने के लिए PQ इंसिडेंट लेंगे, पॉइंट R पर स्नेल्स लॉ लगाने के लिए RS को इंसिडेंट लेंगे रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहां पॉइंट Q पर जब स्नेल्स लॉ लगाया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू इक्वल रेस्पेक्ट टू एयर I1 अपॉन R2 sin I1 अपॉन sin R1। और जब इस फॉर्मूले को स्नेल्स लॉ को आर पर लगाया हमने, इंसिडेंट रे ली एस आर, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर साइन आई टू बाय साइन आर टू, ठीक है। तो बाय स्नेल्स लॉ एट क्यू एंड आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स साइन आई वन बाय साइन आर वन इक्वल्स साइन आई टू बाय साइन आर टू,
ठीक है जी। फिर व्हेन प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन, उस कंडीशन में आपका आई वन इक्वल आई टू इक्वल आई है, तो यहां भी दोनों इक्वल है, तो सर्टेनली क्या होगा, आर वन इक्वल्स इक्वल्स आर, दोनों को हमने लेट लिया, तब आर वन और आर टू भी आपस में इक्वल हो गए। अब इस फॉर्मूले पर आ जाए जरा, आर वन प्लस आर टू कितना है आपका एंगल ए, वापस उसी फॉर्मूले पर आ जाए, तो एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू इक्वल्स एंगल ए, आर इक्वल्स एंगल ए, तो ये क्या बना आपका, टू आर इक्वल्स एंगल ए एंड आर इक्वल्स व्हाट, एंगल ए बाय टू, एक ये कंडीशन आ गई। ठीक है, फिर से मैंने यही कंडीशन ये उठा लिया वापस नेस्ट लॉ में, क्या उठा लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स साइन आई वन बाय साइन आर वन, है ना, व्हेन प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन, आई वन को आपने आई कहा है, आर वन को आपने क्या कहा है, आर कहा है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया, सिंपली साइन आई बाय साइन आर। अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, आई कितना है, आई ये रहा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू, तो ये बना आपका साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन आर, आर कितना फाइंड कर लिया आपने, ए बाय टू, तो अब आपका कितना हो गया साइन ए बाय टू, और ये आपका बन गया अब जिसे कहा जाता है क्या, प्रिज्म फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू एयर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां आपको सिर्फ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, सिंपल सी बात है, एक तो तरीका होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे सीधे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड हो जाता है, उसे बोला जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमारे हम क्या करेंगे, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज बनाएंगे, फाइंड करेंगे, किसकी फाइंड करेंगे, डेल्टा की, और फिर एक्यूरेट एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट आना भी नहीं चाहिए, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उन सारी वैल्यूज से आई वन के लिए डेल्टा वन है, आई टू के लिए डेल्टा टू है, ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ का जो नीचे का बिल्कुल पीक पड़ रहा है, डीपेस्ट पॉइंट पड़ रहा है, इसे आप ले जाएं वाई एक्सिस पर, देख लीजिए कितना मिनिमम एंगल है, उस मिनिमम एंगल को रखेंगे कहाँ रखेंगे, उस मिनिमम एंगल को रखेंगे आप इस फॉर्मूले में, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया है, जो आप खरीद के लाए आपके शॉपकीपर ने बता दिया वो एंगल 60 डिग्री है, क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस के बीच का एंगल, और फिर आप प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ और आता है एग्जाम में, क्या आता है, फॉर द सेम एंगल ऑफ डेविएशन देयर मे बी टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, फॉर द सेम एंगल ऑफ डेविएशन अदर देन मिनिमम डेविएशन देयर मे बी टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, उसका रीजन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली एक्स के पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें तो ये आपके ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, फर्स्ट पॉइंट में I1 के लिए भी एंगल ऑफ डिविजन ये रहा, सेकंड I2 इसके लिए भी एंगल ऑफ डिविजन डेल्टा, जबकि ये एक्चुअली I1 और I2 दो अलग अलग नहीं है, ये आपके कौन से वाले एंगल है, ये वही वाले एंगल है, ये कुछ भी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, एक ये वाला एंगल I1 है इसके लिए डेल्टा है, अभी जरा देखना तो सही, मैं इस लाइन को यहां आगे बढ़ा दूं,
तो ये भी तो डेल्टा ही है। इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी है आपकी, एंगल रे कितनी है, एस आर इज द इंसिडेंट रे, क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे। मैं इसको ग्रीन पेन से बना दूं, ये वाली अगर आप इंसिडेंट ले लें तो ये आपकी इमर्जेंट हो गई, और फिर ये आपका क्या बन जाएगा डेल्टा, देखना वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है ये। तो जो डेल्टा की वैल्यू आई वन के लिए आई है वही डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, आई टू के लिए आ रही है। तो ये हमेशा ही आपको ऐसा मिलेगा कि दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन, समझ रहे बात। लेकिन जब आप मिनिमम डेविएशन पर है तब आई वन और आई टू दोनों आपके इक्वल हो गए, है दोनों अलग, अब भी दो ही एंगल लेकिन दोनों की वैल्यू एक सी हो गई, तो फिर आपके लिए डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी। बोर्ड में क्वेश्चन आया था फॉर सेम एंगल ऑफ डेविएशन देयर मे बी टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, आंसर इसका बोर्ड ने ही जो लिखा था क्या, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट टू डिफरेंट पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सेम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, फॉर थिन प्रिज्म, अगर थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म का मतलब विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए लेस देन और या ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 5 डिग्री, मतलब यह है कि ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल है बहुत पतला हो, 2-3 डिग्री का हो, इसे हम क्या कहेंगे, थिन प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है ये भी क्या होगा, विल बी वेरी स्मॉल, एंगल तो है छोटा सा, डेविएशन भी छोटा सा ही होगा क्योंकि ऑलमोस्ट पैरेलल आ गए ना लाइट रे, याद कीजिए जब ये पैरेलल हो गए लाइट रे, स्लैब बन गया तो डेविएशन नहीं होता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, पैरेलल इंसिडेंट जहां से इंसिडेंट हुई पैरेलल निकल जाती है तो डेविएशन कम हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं क्या, फॉर स्मॉल एंगल इन रेडियन, अगर रेडियन में एंगल ले लें आप तो क्या होता है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स थीटा। तो इसका मतलब जो आपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा था कितना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स व्हाट, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय ए बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो आपका म्यू क्या बचा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय ए। एक्चुअली फिर उसे डेल्टा मिनिमम भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो बेचारा पहले से ही बहुत छोटा है, तो फिर म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, दूसरी साइड ले जाओ म्यू ए माइनस ए इक्वल्स डेल्टा, और ये आपका बनाव म्यू सॉरी ए म्यू माइनस वन इक्वल्स डेल्टा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका यूज हो सकता है कहीं किसी न्यूमेरिकल में, या इसी को अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लेंगे तो म्यू माइनस वन इक्वल्स डेल्टा बाय ए एंड म्यू इक्वल्स व्हाट, डेल्टा बाय ए प्लस वन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स डेल्टा प्लस ए बाय ए, ये फॉर्मूला भी कहीं यूज हो सकता है। हाँ वो तो एक्चुअली यही आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए बाय ए, या ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हो जाता है, लेकिन ये कब यूज हो पाएगा, जब आपके लिए ए की वैल्यू 2-3 डिग्री हो, पतला प्रिज्म हो, तो फिर ऑब्वियसली डेल्टा की वैल्यू भी अपने आप ही क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है।